इतिहास क्यों सुनना है, वो मनोरंजन के लिए नहीं सुनना या एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा भी नहीं, लेकिन इतिहास से कुछ बोध लेना है और उसके अनुसार अपने वर्तमान को ठीक बनाकर चलना है ताकि भविष्य ठीक हो जाए। इतिहास ही सब कुछ है, वर्तमान का कुछ उपयोग नहीं, ऐसे भी हमने कभी कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि समय है, समय चलते रहता है। तो समय है इसका मतलब वर्तमान भूत भविष्य तीनों है, इसका एक संबंध है, उस संबंधों को पहचानते हुए मनुष्य को जीना पड़ता, और इसलिए इसका ज्ञान रखना बहुत आवश्यक होता है। कुछ ज्ञान हमको सीधा सीधा शब्दों के जरिए मिलता है, कुछ ज्ञान परंपरा से मिलता है। हमारे देश का जीवन इतना प्राचीन है और हमको बाहर से आकर हमको हमारी मूर्खता बताने का प्रयास करने वालों को ये आवश्यक था कि विश्व में उनसे प्राचीन कोई नहीं है ये सिद्ध करना, और उन्होंने जो इतिहास मान लिया था वो 4,000-4,500 साल पहले सृष्टि का निर्माण हुआ यहां से शुरू होता था, तो हमारे सारे इतिहास को इधर लाना, फिर उसके लिए कुछ लोगों को खारिज कर देना, ये हुए ही नहीं। फिर रामायण महाभारत ये कविताएं हैं, अभी कविता कोई कविता है 8,000 साल चली है, 5,000 साल चली है, केवल कविता होने से नहीं चलती। लोकश्रुति की जो परंपराएं चलती है वो इतने दीर्घकाल वही चल पाती है जिनके अंदर कुछ तथ्य है, कल्पनाएं इतनी लंबी नहीं चलती। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ सौभाग्य से इसको याद करना चाहिए, ये हमको याद आया क्योंकि हमने ये जाना कि उधार की पहचाने उधार की कलाएं नहीं चलती, हमारा क्या है वो बताना पड़ता है, दुनिया में ऐसा है।